हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल काउंसलर। नीट पीजी 2022 का रिजल्ट पब्लिश कर दी गई है एनबी के द्वारा, और उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका रिजल्ट आ चुका है और वो क्वालिफाई हो चुके हैं। इस पर मैं बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कैसा रहा और कट ऑफ मार्क्स कितने रहे कैटेगरी वाइज। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब समझ में आएगा कि इसमें क्या इम्पेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी नीचे चला गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स काफ़ी नीचे चला गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट लो स्कोर वाले स्टूडेंट को तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में मिड रैंकर को भी पड़ने वाला है। आप लोगों को रैंक भी पता चल गया होगा कि कितना रैंक हो रहा है। इसके लिए आप, अगर आपका नीट स्कोर आ चुका है, आप पता चल चुका होगा पिछले साल के अकॉर्डिंग कि आपको कौन से ब्रांच मिलेंगे, क्या गवर्नमेंट मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहे हैं और आप लोग का एनालाइज हो चुका होगा। तो आप चाहें तो पेड गाइडेंस ले सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड हम लोग एडमिशन गाइडेंस देते हैं कि आपको किस स्टेट में मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने होते हैं और आपको अभी से लेकर लास्ट तक सीट के लिए गाइडेंस दी जाती है। जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती, अगर नहीं मिली इस साल, तो अगले साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो आपको बता दूं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहा वो 275 और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए जो 245, वहीं यूआर कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी हैं इनके लिए 260 रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स। पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी नीचे कट ऑफ गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स गया है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के जो संख्या है, क्वालिफाइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या वो बढ़ गया है, यानी कि लगभग 91,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, 91,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ चुका है जो क्वालिफाई हुए हैं। तो जो लो स्कोर वाला स्टूडेंट है, इनको इस साल संघर्ष करने पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी से, अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं, अगर अभी से आप काउंसलिंग के बारे में अगर प्रॉपर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ सीट मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर आपका कम स्कोर है या फिर ज़्यादा स्कोर है, आपको गवर्नमेंट सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप अभी से एनालाइज कीजिए, अदरवाइज आपको जो इतना मेहनत किया हुआ है इसमें पानी फिर सकता है। पिछले साल के अकॉर्डिंग में बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो ड्रॉप लिए थे स्टार्टिंग से, उनका स्कोर काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो काउंसलिंग में लगे हुए थे, इसके बाद काउंसलिंग के दौरान वो तैयारी नहीं कर पाए, उनका स्कोर कुछ कुछ, मतलब 50% स्टूडेंट का स्कोर काफ़ी अच्छा आया पिछले साल के अकॉर्डिंग, लेकिन 50% स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई नहीं किए हैं। इसी का मेन रीज़न है कि कट ऑफ नीचे चला गया है। क्वेश्चन था थोड़ा सा मॉडरेट था, 15-20 क्वेश्चन था, वो टफ था, लेंदी था, यानी कि ओवरऑल बैलेंस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए बैलेंस्ड आपका कट ऑफ भी है। बाकी आप लोगों के लिए मैं एसके सिंह 24x7 हाजिर हूँ, हमारी टीम हाजिर है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।